शिवपुरी जिले में खाद के लिए परेशान किसानों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल यह ताजा मामला जिला मुख्यालय से निकलकर सामने आया है, जहां लुधावली के खाद गोदाम पर खाद लेने पहुंचे एक किसान के साथ देहात थाना में पदस्थ 3 पुलिस कर्मियों ने मारपीट कर दी। किसान के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार लुधावली स्थित खाद गोदाम पर किसान के साथ मारपीट दोपहर 2:30 बजे के लगभग हुई है। एक किसान को देहात थाना में पदस्थ 3 पुलिसकर्मी पाइप और हाथ पैरों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी दौरान किसान के साथ मारपीट का वीडियो किसी अन्य किसान द्वारा बना लिया गया और किसान पर हुई इस अत्याचार को उजागर करने के लिए वीडियो वायरल कर दिया गया। अब ऐसे में जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही यहां देखी जा सकती है। किसान के साथ हुई मारपीट के मामले में थाना प्रभारी भी सफाई देते नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस को वहां व्यवस्था संभालने के लिए बुलाया गया था, अभी तक कोई फरियादी भी सामने नहीं आया है। शिवपुरी से कमर खान की रिपोर्ट। सबसे पहली चीज तो मैं कह दूं कि वो वीडियो देखेंगे आप तो उसमें मारपीट नहीं है, इसलिए मैं पुलिस को वहाँ बुलाया गया था। पुलिस वहाँ पर अव्यवस्था थी, कोई भी जो है नियम से वहाँ धक्का मुक्की की स्थिति थी, जिस पर पुलिस फोर्स मंगाया गया था कि व्यवस्था बन जाए। पुलिस फोर्स वहाँ पहुँची तो उन्होंने व्यवस्था काफ़ी हद तक बनाई। कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी पर्ची के अलावा दूसरों की पर्ची पर भी लेना चाह रहे थे, तो इसमें एक अव्यवस्था का माहौल था, तो पुलिस केवल उसे प्रयास कर रही थी कि उसे वहाँ से हटा दें और ऐसा कोई उसके साथ जो है मारपीट या लाठी डंडों से मारपीट नहीं की गई, केवल पुलिस उसे एक व्यवस्था बनाने के लिए, तो वो पुलिस के साथ वो भी धक्का मुक्की कर रहा था, तो एक धक्का मुक्की हुई है, केवल व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस वहाँ गई।